तो आज हम आए हैं सूरत के बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस में, वो है सूरत कैस्टल। ये किले की जो बनावट है वो इस तरह से है कि नीचे से ठंडी हवा आती है और ऊपर से गर्म हवा निकल जाती है। तो ये था सबसे पहला फोर्ट जो एक्चुअल में डिज़ाइन हुआ था। ओरिजिनल टॉप अभी भी सूरत किले में रखी गई है। और ये है सूरत सिटी का 3D मॉडल, कि जो कैस्टल है वो एक्चुअल में फिरोजशाह तुगलक ने बनाया था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है कि मस्ट विजिट प्लेस इन सूरत, तो आज हम आए हैं सूरत के बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस में, वो है सूरत कैस्टल। जी गाइस, सूरत कैस्टल लगभग 1530 में बनाया गया था और बहुत सालों के वेटिंग के बाद इसको फिर से अभी रिस्टोरेशन किया है सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक्चुअल में सूरत कैस्टल दिखता कैसा था और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो सारा बताऊँगा इस वीडियो में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सूरत के लोगों के साथ ये ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी विजिट करने के लिए आए। सो पूरा इन डिटेल बताऊंगा क्या क्या है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोग सूरत कैस्टल में एक्चुअल में अभी अंदर एंट्री कर चुके हैं। तीन चार चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो एंट्री टिकट वहाँ से है, तो वहाँ से आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। अगर 6 साल से ऊपर हो आप तो टिकट है 100 रुपीज़, एंड ऐसे मेरी तरह व्लॉगिंग शूट कर रहे हो, कैमरा कुछ भी प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हो तो 500 रुपीज़ है। और उसके साथ एक एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ती है कि आप किस पर्पज़ के लिए शूट कर रहे हो। तो ये रहा थोड़ा टिकट के बारे में कि क्या कैसे कर सकते हो। अभी अंदर चलते हैं। सो एंट्री होती है यहाँ से, ब्रिज से। ये पुराने ज़माने की खीन बोल सकते हैं खाई, जहाँ पर ऐसा एक एंट्री गेट बनाया गया है और यहाँ से होती है एंट्री कैस्टल में। जब पुराने ज़माने में दुश्मन आते थे अटैक करने, तो ये खाई में वो पहले क्रॉस करना पड़ता, इसलिए ब्रिज बना गया। तो ब्रिज को ऊपर कर देते थे ताकि कोई एंटर ना हो पाए। तो चलिए थोड़ा अंदर जाते हैं और दिखाते हो क्या क्या और चीज़ें हैं। और जो एक मैंने चीज़ बोली थी दरवाजे के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ के दरवाजे। इस लोकार्पण किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और ये सारे डेलीकेटीज है जिन्होंने यहाँ पर बहुत अपना योगदान दिया है इसको रिस्टोरेशन करने में। सो ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ का खर्चा हो गया है इसको रिस्टोरेशन करने में। सो मेरे पीछे स्कूल की ट्रिप भी चल रही है, तो आप यहाँ पर स्कूल ट्रिप भी बहुत प्लान कर सकते हो क्योंकि बच्चों के लिए अच्छा। सबसे पहला जो एरिया है वो है पुरातन तुगलक वॉल्ट। आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये पूरा लेआउट है सूरत कैस्टल का, एक पूरा नक्शा बनाया गया है कि ओरिजिन कैसे था और अभी तक इन लोग ने क्या क्या जगह रिस्टोरेशन की है। सो हम लोग अभी यहाँ पर है वॉल्ट में, एंड उसके बाद जाएंगे वाटर टैंक गार्डन में, फिर शायद यहाँ पे जाने को मिले ना मिले, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने रिस्टोरेशन में की गई है। सो वन बाय वन सारी चीज़ें हम देखेंगे। काफ़ी बड़ा है सूरत कैस्टल। सो गाइस, अभी हम लोग हैं वॉल्ट में और काफ़ी अच्छा रिस्टोरेशन किया गया है, हर चीज़ को बहुत बारीकी से इन लोग ने ध्यान में रखा है। सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि ये पूरा एयर कंडीशनर है। जी गाइस, आप मेरे ऊपर देख सकते हो, पूरा कैस्टल को इन लोग ने AC में कन्वर्ट किया है ताकि आप कोई भी मौसम में आओ आपको गर्मी ना लगे, क्योंकि ज़्यादातर सूरत में माहौल बहुत ही हैवी गर्म रहता है। सो वेदर यहाँ पे टेम्परेचर 35-40 रहता ही है ऑलमोस्ट, और अभी भी मैं जब आया तो बाहर वेदर 35 था। सो ये बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने कि पूरा AC में कन्वर्ट किया है इसको। सो मज़ा आएगा ताकि आप रिलैक्स भी रहो और आप इंजॉय कर पाओ पूरे कैस्टल को यहाँ से। सो गाइस, अभी हम लोग AV रूम से बाहर आए हैं। बहुत ही अच्छी स्मॉल डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पर उन्होंने बताई है कि कैसे उन्होंने पूरा हिस्ट्री को लेके ये पूरा रिस्टोरेशन किया है। जैसा कि कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ, बाकी ऑल ओवर तो आप यहाँ पे आओगे तब पता चलेगा कि जो कैस्टल है वो एक्चुअल में फिरोजशाह तुगलक ने बनाया था। 13th-14th century में ये पूरा किला बनाया था, बहुत सालों तक ऐसे ही रहा, और 16th century में जब सुल्तान मोहम्मद 3 ने इसको फिर से बड़ा करके रिनोवेट किया और इनकी हाइट कुछ 20-25 फुट की गई। अभी जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें पूरी चीज़ें दिखाई गई है, तो इसके लिए आपको एक बार ज़रूर से यहाँ पर विजिट करना चाहिए, पूरा हिस्ट्री आपको मिलेगा। और अभी हम बाकी जगह चेकआउट करते हैं कि क्या क्या है, तो चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइस, ये जो आप देख रहे हो एक्चुअल में एक वाटर टैंक है। जब पुराने ज़माने में इसको आई थिंक वाटर टैंक की तरह यूज़ किया गया होगा, ऐसा AV में भी बताया गया है। और ये किले की जो बनावट है वो इस तरह से है कि नीचे
से ठंडी हवा आती है और ऊपर से गर्म हवा निकल जाती है, तो पूरे एग्जॉस्ट जो अभी बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन, तब तो नहीं थे लेकिन उनकी बनावट कुछ ऐसे है कि आपको यहाँ पे गर्मी नहीं लगेगी। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस किले को बहुत ही खास बनाती है। इसके अलावा एक और अभी वॉल्ट है, हम लोग वहाँ पे अभी एंट्री ले रहे हैं, तो चलिए देखते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलता है। सो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट रूम में जो है सूरत इन आर्काइव्स, देखते हैं क्या है इसके अंदर। सो ये है सेकेंड रूम सूरत इन आर्काइव्स, यहाँ पर पूरी हिस्ट्री सूरत के बारे में और कैस्टर के बारे में आपको जानने को मिलेगी। सो ये था सबसे पहला फोर्ट जो एक्चुअल में डिज़ाइन हुआ था, और साथ साथ टाइमलाइन भी पूरी दी गई है कि कितने टाइम में क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। सो जैसा कि एवी में बताया गया था और यहाँ पे भी पूरा पोस्टर में दिखाया गया कि जो पहले बनाया था वो मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, तब कुछ ऐसा दिखता था फोर्ट, एकदम छोटा सा था और एक बंदरगाह था। उसके बाद मुजफ्फर शाह टू और मोहम्मद शाह थ्री इनके टाइम में एक्चुअल में इसका निर्माण प्रॉपर किया गया, और उसके बाद मुग़ल आए, फिर आए अंग्रेज़, और उन्होंने भी काफ़ी सारे बदलाव किए पूरे किले में, और फाइनली जो अभी हम देख रहे हैं वो ये है। सो बैक टू बैक यहाँ पे बहुत सारे रूम हैं जिसमें पूरी हिस्ट्री रिक्रिएट की गई है, पूरा आपको फोटोज़ एंड नंबर्स के द्वारा पूरा बताया गया है कि सूरत एंड जो अंग्रेज़ है कैसे हमारी हिस्ट्री जुड़ी है। और मेन जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो एवीएम में दिखाई गई थी कि ये पूरा रूम एज इट इज़ रिस्टोर किया गया है, चाहे वो लकड़ा हो, और बहुत सारे यहाँ पर टेस्टिंग किए गए हैं, चाहे वो अर्थक्वेक का टेस्ट हो कितना झेल सकता है वज़न ये किला, और उस हिसाब से पूरा इसमें रिनोवेट किया और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहे, ट्राई की है कि वो ऐसे रहे जहाँ पर भी इसका बिफोर आफ्टर है। सो ये था बिफोर एंड ये है आफ्टर। सो यस, सो मेन पर्पज़ वही है SMC का और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का कि लोग एक्चुअल में फील कर पाए ये स्पॉट को जैसा वो था और जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता था। सो ट्राई किया है बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ ही यहाँ पर रहे, बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई है। तो जैसा कि मैंने बताया इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप 80-90 centuries की है जो रिस्टोरेशन के टाइम पे सूरत SMC को मिली है, और उनको यहाँ पर एज अ म्यूजियम में आप देख सकते हैं। सो ये पूरा डिस्प्ले किया गया है, हर चीज़ है पुराने टाइम की। तो ये है सूरत सिटी का 3D मॉडल, जहाँ पर जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है उनको 3D मॉडल के द्वारा दर्शाया गया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी है जो अभी एग्जिस्ट है लेकिन वो उस हिसाब से नहीं है, तो एक्चुअल में वो कैसी थी और कहाँ का लैंडमार्क था उनका पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर रखा गया है। सो ये दूसरे कमरे में से भी हम बाहर निकल चुके हैं, अभी जा रहे तीसरे कमरे में। दूसरे कमरे में बहुत सारी आर्काइव्स थी, बहुत सारी मेमोरीज थी, बहुत सारी चीज़ें वैसी थी जो रिस्टोरेशन में पाई गई है, और पूरा हिस्ट्री वहाँ पर फोटोग्राफ के थ्रू बताया गया है। अभी चलते हैं तीसरे कमरे में। तो ये जो रूम है वो है गैलरी एरिया, और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें वैसी है जो एंटिक है।
सो गाइज, अभी किले में घूमते घूमते हम लोग आ चुके हैं किले की छत पे, और यहाँ पे जो मुझे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखे वो है टोप। ये एक्चुअल में अभी भी वही पोजीशन पे और वही टोप है जो पुराने ज़माने में यूज करती थी। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ से ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप यहाँ से बमबारी भी कर सके, अटैक भी कर सके दुश्मन ऊपर, और किले को कुछ हो भी ना, क्योंकि पूरी दीवार मैंने देखा बहुत ही मजबूती से बनाई गई है। सो ओरिजिनल टोप अभी भी सूरत किले में रखी गई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। सो चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस, ये था सूरत कैस्टल का पूरा वीडियो। एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा अंदर रूम्स एंड बहुत बड़ा है कैस्टल। जैसा मैंने सोचा था कि छोटा सा होगा, रिस्टोरेशन कर दिया होगा, लेकिन वैसा नहीं है। सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने काफ़ी काम किया है, एक तो पूरा रिस्टोर किया है, उसके अलावा जैसे ही दो रूम हमने क्रॉस किए, तीसरा रूम चालू होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल गैलरी। वो एक्चुअली गैलरी जो सूरत ओल्ड सिटी में थी उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, और मानोगी नहीं गैलरी में इतनी सारी चीज़ें हैं, हस्तकला, शिल्पकला, राइटिंग, सारी लिपियाँ, और बहुत ही नंबर ऑफ जितने मैं बताऊँ उतनी सारी अंदर चीज़ें मौजूद है। सो मुझे ऐसा लगा कि एक एजुकेशन पर्पस से भी आपको यहाँ पे विज़िट करना चाहिए, और अगर आप सूरत की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो कि एक्चुअल में सूरत क्या था, तो एक बार सिर्फ सूरत कैस्टल में आ जाओ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन किया गया है। आई होप जब भी आप विज़िट करो तो यहाँ पे ऐसे ही बना रखे, कुछ कचरा वचरा ना फेंके। एंड थैंक यू फॉर सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो इतना अच्छा एक सौगात दी है आने वाली जनरेशन के लिए। सो बस बाकी वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी, टाइमिंग एंड पूरा लोकेशन मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। सिर्फ संडे ऑफ रहेगा, तो मेक श्योर आप संडे को ना आए, बाकी वर्किंग डेज में एंड वीकेंड्स में ये चालू रहता है। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग से सूरत के रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। बाय बाय।